दोस्तों, आप इलोन मस्क को तो जानते होंगे। कुछ दिन पहले ही मस्क साहब दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए, ये भी आप जानते ही होंगे। पर शायद आप ये नहीं जानते कि 7 जनवरी को मस्क साहब ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया में एक कोहराम सा जैसे मच गया। ये था वो ट्वीट। जी हाँ, सिर्फ 2 शब्द, यूज सिग्नल। इस ट्वीट के तुरंत बाद हजारों करोड़ों लोग व्हाट्सएप छोड़कर, व्हाट्सएप डिलीट कर सिग्नल पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। सिग्नल भी एक व्हाट्सएप जैसा ही मैसेजिंग ऐप है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। पर ऐसा क्या हो गया कि इलोन मस्क साहब को ये ट्वीट करना पड़ा? वो ऐसा क्या कर दिया व्हाट्सएप ने कि हजारों करोड़ों लोग व्हाट्सएप डिलीट कर रहे हैं और सिग्नल पे जा रहे हैं? दोस्तों, ये पूरी कहानी जो है ये है व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की, और आज हम इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानेंगे। इस अपडेट में व्हाट्सएप ने क्या क्या नए चेंजेस किए हैं वो जानेंगे, और ये जानेंगे कि कैसे आप पर इफेक्ट पड़ेगा इस अपडेट के जरिए। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। अभी हाल ही के कुछ दिनों में आपको ये पॉपअप देखने को मिला होगा व्हाट्सएप पे, और बस इस एक पॉपअप की वजह से पूरा सोशल मीडिया हिला हुआ है। व्हाट्सएप ने जो है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। प्राइवेसी पॉलिसी अगर किसी को नहीं पता है तो इसमें कोई भी कंपनी ये लिखती है कि वो आपका डेटा, कितना डेटा शेयर करेगी, कितना स्टोर करेगी, कैसे शेयर करेगी, कैसे यूज़ करेगी, प्राइवेसी पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स वगैरह वगैरह। ये पूरा जो मामला है ये है डेटा शेयरिंग का। आपने देखा होगा कि जब भी आप अमेज़ॉन पर मान लीजिए कोई भी कैमरे के बारे में सर्च करते हैं तो उसकी एड आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी, फेसबुक पर देखने को मिल जाएगी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये एल्गोरिदम के तहत होता है। जो सोशल मीडिया कंपनीज होती हैं, जैसे फेसबुक होती है, जैसे अमेज़ॉन होती है, ये आपके डेटा को एक्सटर्नल कंपनीज को बेचती हैं और उससे जो पैसा आता है उससे अपनी कमाई करती हैं। फिर उन एक्सटर्नल कंपनीज के पास जो डेटा जाता है आपका, उससे आपके लिए पर्सनलाइज्ड एड्स बनाए जाते हैं, और फिर उन पर्सनलाइज्ड एड्स को दिखाने के लिए फेसबुक फिर से पैसे लेती है, और इसी को बोला जाता है डेटा एज ए रेवेन्यू मॉडल। तो आप जो एड्स देखते हैं अमेज़न पे सर्च करके, आप अगर एड्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, तो वो सारा एल्गोरिदम का खेल है, वो कोइंसिडेंस नहीं। व्हाट्सएप ने अभी जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की है अपनी, उसमें साफ शब्दों में ये लिख दिया है कि देखो भैया, हम आपका डेटा अब फेसबुक जो कंपनी को ओन करता है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, और भी कई कंपनीज हैं जिनको फेसबुक ओन करता है। तो व्हाट्सएप ने साफ शब्दों में ये लिख दिया है कि देखो भैया, हम आपका डेटा यानी हमारा डेटा अब फेसबुक कंपनीज के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, बढ़िया बात है, अगर आपको नहीं मंजूर है तो व्हाट्सएप से टाटा बाय बाय। तो जी हाँ, अब आपका व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक कंपनीज के साथ शेयर होगा, और इस डेटा के मुताबिक आपको पर्सनलाइज एड्स दिखाई जाएंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो मान लीजिए कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को कोई लिंक भेजा किसी कैमरा का व्हाट्सएप पे, तो चौक मत जाइएगा अगर उस कैमरा का एडवर्टाइजमेंट आपको और आपके दोस्त को इंस्टाग्राम पे आता है। बड़ी जाहिर सी बात है कि आएगा ही। अब बात आती है कि ये जो व्हाट्सएप डेटा शेयर करता है, ये क्या है ये डेटा, इसमें क्या क्या आता है, क्या आपकी पर्सनल चैट्स, पर्सनल मैसेजेस, पर्सनल इमेजेस इसमें आती हैं? जवाब है नहीं। आपके पर्सनल चैट्स को छोड़कर पर सब कुछ आ जाता है इस डेटा में, जैसे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, जानकारी कि आप किससे कितनी देर बात करते हैं और आपका बात करने का पैटर्न क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड है या आईओएस है, प्रोफाइल फ़ोटो आपकी व्हाट्सएप शेयर करता है, स्टोर करता है, आपका जो अबाउट इन्फॉर्मेशन है वो भी व्हाट्सएप स्टोर शेयर करेगा, आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और आपने कब, आपका लास्ट सीन कब है, और कब आपने अपना अबाउट इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप स्टोर और शेयर करेगा। इंडिया में अब व्हाट्सएप पे भी आ चुका है, तो व्हाट्सएप आपके ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी स्टोर करेगा, शेयर करेगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप आपका लोकेशन भी स्टोर और शेयर करेगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस का यूज़ करते हैं व्हाट्सएप के तहत, बहुत सीधा सा एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया, आपने किसी वेबसाइट पर एक कैमरा का इन्फॉर्मेशन देखा, आपने उस कैमरा को व्हाट्सएप को यूज़ करके अपने एक दोस्त के साथ शेयर किया उस लिंक को, तो ये हो गया थर्ड पार्टी सर्विसेज का व्हाट्सएप के तहत यूज़ करना। अगर आप ये करते हैं तो ये डेटा भी व्हाट्सएप शेयर करेगा, इसी के चलते आपको
इंस्टाग्राम पे एड्स आ सकते हैं कि उस कैमरा के जिसका आप शेयर कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ। और एक बात है इसमें, व्हाट्सएप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ था कि वी स्टिल डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी बैनर एड्स ऑन आवर सर्विस, वी हैव नो इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस देम। अब इस प्राइवेसी अपडेट में इसमें एक सेंटेंस और जोड़ दिया गया है, वी हैव नो इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस देम बट इफ वी एवर डू वी विल अपडेट दिस प्राइवेसी पॉलिसी। जनाब सब शब्दों का खेल है, ये लॉ में ऐसे ही होता है, सब शब्दों का खेल होता है। पहले व्हाट्सएप पे आप कभी ऐड नहीं देखे, आज तक नहीं देखे, क्योंकि प्राइवेसी में लिखा हुआ था कि एड्स नहीं दिखाया जाएगा। अब प्राइवेसी पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि एड्स दिखाने का हमारा इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम दिखाएंगे तो आपका प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर देंगे फिर से, और फिर से आपको इसको एग्री करना ही पड़ेगा। तो व्हाट्सएप पे एड्स देखने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि पूरी तैयारी है। और अगर उस कैमरा का ऐड जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे थे वो अगर आपको व्हाट्सएप पे भी अब दिखे ऐसे पॉपअप में, तो आप ज़्यादा चौंकिएगा मत, क्योंकि वो होने ही वाला है। अब साथ ही साथ इस अपडेट को 8 फरवरी तक अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो व्हाट्सएप से आपको टाटा बाय बाय है, आपको व्हाट्सएप यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल चैट्स और इमेजेस और वीडियोस व्हाट्सएप स्टोर और शेयर नहीं करता, पर अगर मैसेज अनडिलीवर्ड है या फिर आप कोई मीडिया फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो व्हाट्सएप स्टोर करता है। तो कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले एक दफ़ा सोच लीजिएगा। और ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ये सब व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके खुद एक बार पढ़िए। छोटी सी प्राइवेसी पॉलिसी है, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है। जनाब बड़ी सारी दिक्कतें हैं इस प्राइवेसी अपडेट के साथ। पहला है डेटा शेयरिंग और प्राइवेसी को लेके, कोई भी नहीं चाहता कि उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी को जाए। और व्हाट्सएप भी 2009 तक ये एश्योर करता था, 2009 में तब के व्हाट्सएप सीईओ जैन कॉम ने लिखा था, आई कोट, वी हैव नॉट, वी डू नॉट एंड वी विल नॉट एवर सेल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एनी वन, पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी। जनाब एंड ऑफ स्टोरी तो नहीं हुआ, हमारा एंड हो रहा है, हमारे प्राइवेसी का एंड हो रहा है। पर आज भले ही व्हाट्सएप हमारा पर्सनल चैट, हमारे पर्सनल फोटोज नहीं शेयर कर रहा, पर उसके अलावा फोन नंबर, आईपी एड्रेस सब कुछ शेयर हो रहा है। फेसबुक अपनी हिपोक्रेसी या दोगलेपन से बाज नहीं आएगा। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तो ये कह के खरीदा था कि व्हाट्सएप और फेसबुक इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, दोनों के बीच डेटा शेयरिंग नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। और आज हालत देख लीजिए, हमारे पर्सनल चैट्स को छोड़कर सब कुछ शेयर हो रहा है। और जहाँ तक पर्सनल चैट्स की बात है, व्हाट्सएप को बस एक और प्राइवेसी अपडेट लगेगा ये लिखने में कि जनाब हम आपका पर्सनल चैट्स भी अब फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, आपको रहना है तो रहिए वरना भाड़ में जाइए, जैसा कि व्हाट्सएप अभी कर रहा है। तीसरा, सीधे सीधे प्राइवेसी अब्यूज, प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को कह दिया है कि इट्स माय वे या स्काईवे। अपने यूजर्स को एक वैलिड चॉइस ना देकर व्हाट्सएप राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम टू चूज का सीधे सीधे वायलेशन कर रहा है। और अगर आप मेरी ना माने तो आप एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जिनका नाम है NS नापीनाई, उनकी बात सुनिए, मैं उन्हें कोट करूंगा, एंड आई कोट, गिविंग अ टेक इट और लीव इट चॉइस टू यूजर्स दैट वायलेट देयर प्राइवेसी and puts them to risk can be contested and unconscionable. Users are well within their rights to seek redress either before the Supreme Court or the High Court to protect their privacy rights. Finally, Facebook और WhatsApp बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म है। Facebook जो है वो एक अपनी अलग चमकीली दुनिया सी है, पर WhatsApp वन टू वन इंटरेक्शन के लिए है। और ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि किसी को ये चमकती धमकती फेसबुक की दुनिया पसंद है, किसी को अपना प्राइवेसी पसंद है, किसी को सिर्फ एक दूसरे से बात करना पसंद है। लोग अलग होते हैं, और अगर फेसबुक व्हाट्सएप जैसी कंपनीज इस पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो ज़्यादा अच्छा है कि हम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ना रहें। क्या किया जाए फिर, व्हाट्सएप ने तो अल्टीमेटम दे दिया है, अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी को अग्री करोगे तो
तो प्राइवेसी को टाटा बाय बाय, अगर आप अग्री नहीं करोगे तो व्हाट्सएप को टाटा बाय बाय, किया क्या जाए? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? एक काम किया जा सकता है कि सिग्नल पे या टेलीग्राम पे शिफ्ट हुआ जा सकता है, जैसे कि हजारों लोग अभी कर रहे हैं। सिग्नल जो है वो एक ओपन सोर्स मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप की ही तरह, और इसमें भी व्हाट्सएप की तरह मैसेजेस जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। मजे की बात यह है कि सिग्नल के दो में से जो एक फाउंडर है ब्रायन एक्टन, वो व्हाट्सएप के भी फाउंडर थे, पर उन्होंने 2017 में व्हाट्सएप छोड़ दिया। आज के दिन सिग्नल जो है वो प्ले स्टोर में व्हाट्सएप से भी ऊपर पहुंच गया है और व्हाट्सएप से ज्यादा सिक्योर भी है। ये तो हुई सिग्नल की बात, पर इस व्हाट्सएप की दादागिरी का सही से जवाब सिर्फ सरकार ही दे सकती है। हमारे देश में एक ढंग का डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, और इसी की वजह से फेसबुक व्हाट्सएप जैसी कंपनीज यहाँ आती हैं और अपनी मनमानी करती फिरती हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ के नाम पर हमारे पास एक पुराना सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो कब का आउटडेटेड हो गया। एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में बनाया गया था जो ज्यादा इफेक्टिव है नहीं, पर अभी तक वो बिल ही है, एक्ट भी नहीं बना। जनाब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2017 में ही राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया था, पर मोदी जी को आज के दिन तक प्राइवेसी के मायने नहीं समझ में आए और फिर भी हमेशा कहते रहते हैं वाह मोदी जी वाह वाह वाह। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, हम जो वीडियो बना रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि व्हाट्सएप हम सबके पास है और ये हम सबको इम्पैक्ट करेगा। आप वो बेल आइकन को भी नीचे दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले, नोटिफिकेशन मिले जब भी हम एक नया वीडियो निकालें। धन्यवाद दोस्तों।